जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। YDA क्या कहती है, PMA का क्या मौकफ है, वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। इस वक्त वजीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। आप प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वजारत मिल गई, अब चैलेंजेस भी हैं, वो आप एक एक दिन आपको मिल रहे हैं। आज का बड़ा चैलेंज ये था, OPDs बंद हो गए, YDA सड़कों पर आ गई, हड़ताल की कॉल दे दी और तीन दिन लाखों मरीज खवार हो गए। YDA कहती है हमें मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बुलाया गया, आप कहते हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आए, फिर ये जो तीन दिन हजारों लोग खवार हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ी ये बात है कि नंबर वन, हफ्ते वाले दिन इन्होंने बगैर अनाउंस किए एक हड़ताल कर दी। अगर हमें पता होता ना कि ये कर रहे हैं तो हम तैयारी कर लेते। जहाँ तक आज का ताल्लुक है, सारे आउटडोर्स खुले हुए थे, सारे आउटडोर्स में काम हो रहा था। आपके लोगों ने भी जाकर चेक किए कि काम हो रहा था, हमारे सीनियर्स बैठ गए थे, प्रोफेसर सारे बैठे हुए थे और प्रोफेसर काम कर रहे थे। मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये था कि आज बिल्कुल आप अजाब फरमा रही हैं, सैटरडे वाले दिन OPD जरूर उनको ताले लगे हुए थे, आज खुले थे। आज प्रेशर था प्रिंसिपल्स पे, MS पे, कि आपने OPD को जो ताले लगे हमने फुटेज दिखाई थी सैटरडे वाले दिन, आज उस तरह का सिस्टम ना हो। बिल्कुल मानते हैं हम कि आज OPD ओपन थी, लेकिन अंदर चेक करने वाला कोई नहीं था, हजारों पेशेंट वैसे ही स्ट्रेचर पे। मैंने सुबह एज लाइव किए हैं, मैंने लाइव किए हैं। अच्छा बात करते हैं, अच्छा जो रिपोर्ट है मैम, जो रिपोर्ट है वो ये है, जो OPDs आप कह रही हैं कि आज हमने खोल दी थी, वहाँ प्रोफेसर या अल्टरनेट अमला जो हमने तैनात कर दिया था, हमारा मौकफ ही है वो कम था, मरीज ज्यादा थे। मकसद ये है कि आउटडोर्स खुले, वहाँ सीनियर लोग बैठे हुए थे, मरीज देखे जा रहे थे। पहले तो आप लोगों को ये इतराज़ था कि प्रोफेसर नहीं बैठते, अब आप कहते हैं प्रोफेसर इस काबिल ही नहीं है कि देख सके। तो मैं आपको पूरी यकीन से बताती हूँ कि एक जूनियर डॉक्टर और एक प्रोफेसर जो है ना, मैं अगर बैठूंगी तो मैं 10 मरीज देख लूंगी जितनी देर में एक जूनियर डॉक्टर ने देखा, विद माई एक्सपीरियंस, लेट मी टेल यू दैट। नंबर वन, अब ये कहना कि मरीजों हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, जहाँ तक ताल्लुक है YDA का, ना उन्होंने अनाउंस किया था हड़ताल की, गलत बात की, वजह फॉर अ सिंपल रीज़न कि जो उनकी ग्रीवेंसेस थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। उनका क्या ग्रीवेंस है उसके साथ, ये हमने डिपार्टमेंट ने एक एक्शन लेना था, एक सानिया हुआ, उस सानिया के बारे में उन दो दिनों के अंदर हमने बाकायदा एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद ये मसला हल हो गया। उन्होंने गलत काम किया, दे शुड नॉट, उनका कोई जवाब ही नहीं बनता था हड़ताल पर जाने का। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जवाब ना बनने के बाद, और वो डिमांड कर रहे थे कि जी हमें बुलाएं, बार बार ये कह रहे थे कि आप हमें बुलाइए। मैम यहाँ पे एक सवाल जो है ये पैदा होता है कि जो YDA है, ये एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जिसने जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसको भी बहुत ज्यादा प्रेशर्स दिए थे, और मौजूदा हुकूमत में भी जो प्रेशर देने का सिलसिला है वो शुरू हो गया, वो आपने भी देख लिया तीन दिन किस तरह से। कोई प्रेशर नहीं, मैं आपको दोबारा दोहरा के बता देती हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि गलत काम है, और आइंदा कभी इस तरह को कोई प्रेशर मेरे पर डालने की कोशिश की तो मैं आपको बताऊंगी कि आउटडोर्स कैसे चलेंगे, इनके भी इतराजात हम दूर कर देंगे। एक सेकंड, एक मिनट, बारी बारी बात, एक सेकंड, पहले मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आउटडोर्स चलाए जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग अगर एक जायज़ मुतालबा हो तो फिर बात करें ना। उनका कहना है कि जी बिल आप थ्रू करें, भाई बिल असेंबली होगी तो थ्रू होगा ना, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। और वो बिल की बात कर रहे हैं जो बिल खैबर पख्तूनख्वा में थ्रू हुआ है। आप मुझे बताइए, तरीके इंसाफ की हुकूमत है, हम क्यों नहीं थ्रू करेंगे? जस्ट गिव मी वन गुड रीजन कि हम क्यों नहीं थ्रू करेंगे। वो करेंगे, मतलब आपने ये कह दिया है कि जब असेंबली का सेशन शुरू होगा बिल की यकीन दहानी हो गई। देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है वो बिल, उसके ऊपर आज हमने फोकल पर्सन बनाया है डॉक्टर कामरान शेख को, वो डिस्कस करेंगे। मैं कल सेक्रेटरी साहब से जब मिलूंगी मैं उनको कहूंगी कि कमेटी बनाइए जो इस बिल के ऊपर डिस्कशन कर ले, ताकि ये बिल पूरी तैयारी के साथ हमारे पास हो और हम इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आप भी एक डॉक्टर हैं और आपने सर्व किया है इस लाइन में, मेरा मौकफ ये है कि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स को मार पड़ती है, कभी मरीजों को भी मार पड़ती है, ये एक कल्चर हो गया है, एक कल्चर का भी सामना है, इसको भी हमने ठीक करना है, तो ये जो चैलेंज है ये किस तरह फेस करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बहुत बड़ा मसला है। आज खुद उन्होंने उसकी निशानदेही की कि जी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, प्रॉपर बताया नहीं जाता, सारे यंग डॉक्टर्स कह रहे थे। ऑलरेडी मैंने सारे वाइस चांसलर्स वगैरह को बुला के उनके साथ मीटिंग रखी थी, जिसके अंदर हमने उनके साथ कम्युनिकेट किया, और कम्युनिकेट करने के बाद हमने बताया कि भाई ये कम्युनिकेशन स्किल्स का एक प्रॉपर करिकुलम डेवलप किया हुआ है। आज से 8 साल पहले मैंने ही डेवलप किया था वो करिकुलम, एक सर्वे करके, एक रिसर्च करके कि भाई हमें क्या चाहिए अंडर ग्रेजुएट फॉर द डॉक्टर्स, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे क्या चाहिए,
ताकि उन बच्चों को पता हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह अहम होती हैं। अब मैं भी तो 38 साल से प्रैक्टिस करती रही हूँ और फोर फ्रंट पे काम करती रही। ये थोड़ी है कि भाई पहले दिन मैं प्रोफेसर बनी, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ मेरा, तो आज तक कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक कभी नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ 38 साल की प्रैक्टिस में, ना कभी किसी मरीज ने बुरा भला कहा ना। अब हालात ये है कि मरीजों के रिश्तेदारों की भी टॉलरेंस कम हो गई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो कि मैं हमेशा डॉक्टर्स को समझाती हूँ, कि अगर आप मरीजों के रिश्तेदारों को बताएं कि मसला क्या है तो मरीजों के रिश्तेदार आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। वजह ये होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज़ को तकलीफ़ होती है, रिश्तेदारों को पता नहीं होता कि तकलीफ़ क्यों हो रही है। अगर उनको समझाया जाए कि भाई ये तकलीफ़ इस तरह ठीक हो जाएगी, इतना वक्त लगेगा, हम ये करेंगे, तो उसके ऊपर खुद ब खुद उनका रिस्पॉन्स हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि काउंसलिंग स्किल्स जो हैं वो अब एक अहम हिस्सा बने हुए हैं हर किस्म की, दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क में काउंसलिंग स्किल्स को बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है, जो अभी तक हमने वहाँ अहमियत देनी नहीं शुरू की अपने मेडिकल कॉलेज। इस्लाहात लाएंगी मुस्तकबिल करीब में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मेरी जो पहली मीटिंग हुई है आज से दो हफ्ते पहले, उसमें पहली बात जो मैंने डिस्कस की है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम डिस्कस की है, ताकि ये जो लड़ाई झगड़ा है इसका सिलसिला ख़त्म हो। दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक सवाल काजमी साहब ऐड करना चाह रहे हैं आपकी इजाज़त से। वजाहत कर दें कि आइंदा अगर वाइडिया की तरफ से हड़ताल की जाती है तो क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये कि साबिक गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम कर चुकी है और उसने वापस लिए हैं। दूसरा ये कि टीचिंग हॉस्पिटलों के अंदर लड़ाई की बड़ी वजह रश है, और रश को कम करने का क्या तरीका अपनाया गया। देखिए जी, सबसे अहम चीज़ है कि हमें जो अपने दही इलाके के अस्पताल हैं, जैसे DHQs हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, उनको हमें रोबस्ट करना चाहिए, और उस पर हमने काम करना शुरू किया हुआ है। अभी भी आप देखिए, सब कहते हैं कि जो फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आप अभी भी किसी इमरजेंसी में जाएं तो जो रिस्पांस पहले होता था उसके मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इन अ बेटर फैशन। हमने कंप्लेंट सेल बनाई हुई है, वो कहा कि पुराना नंबर है, मैंने कहा उस नंबर पे लोग फ़ोन करना नहीं करते थे, वजह थी कि आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। नाउ वी आर इंश्योरिंग के रिस्पॉन्स प्रॉपर हो, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सारे मरीज रेफर कर दें टू अ टीचिंग हॉस्पिटल तो वहाँ रश ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने दही इलाकों के अंदर स्पेशली जो हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर वाले, उनको एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि कोई मरीज रेफर नहीं होगा जब तक वहाँ का स्पेशलिस्ट ये ना कहे कि मेरे से ये केस मैनेज नहीं किया जाएगा। सो पेशेंट्स विल नॉट बी रेफर्ड, दे विल बी लुक्ड आफ्टर, यानी तहसील हेडक्वार्टर के लेवल पे उनका ख्याल किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे ख्याल किया जाएगा। आप समझते हैं कामयाब हो जाएगी जो आपका विजन नहीं होगा? देखिए इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अभी ये रवायत बन चुकी है, जिसने पंजाब में अपना इलाज करवाना है उसने लाहौर में आके करवाना है तो वो सेटिस्फाई होगा इंशाल्लाह। इस वक्त आपकी कार्डियोलॉजी के अगर आप देख लें तो रावलपिंडी का कार्डियोलॉजी इज डूइंग वेरी वेल, मुल्तान के कार्डियोलॉजी में उस दिन चक्कर मार के आया एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, बड़ा वेल रन हॉस्पिटल है। लाहौर की कार्डियोलॉजी जो है उसका साइज जो है बड़ा करके उन्होंने इमरजेंसी को ज़्यादा मरीज अकोमोडेट करने शुरू कर दिए। इसी तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कार्डियोलॉजी के लैब्स हैं, सॉरी वार्ड्स हैं, उनको मजीद मजबूत किया जाए, जिना के उसको मजबूत किया जाए। अब आ गया मसला ये एक्सीडेंट एंड ट्रामा। देखें हम लोग कभी हमने एक्सीडेंट ट्रामा को सच नहीं किया था। अभी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अभी पहला कॉलेज है जिसके अंदर एक प्रोफेसर जो है वो इंचार्ज है एक्सीडेंट एंड ट्रामा। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक्सीडेंट और इमरजेंसी का एक बाकायदा प्रोफेसर इंचार्ज हो जो उसको सुपरवाइज करे उसकी इमरजेंसीज को, तो वो उसके ऊपर ये काम होना शुरू हो गया। वक्त लगेगा, अभी आए हुए महीना हुआ है तो एक महीने के अंदर तो मेरा ख्याल है कोई भी मुआवजा करना हमारे लिए मुश्किल होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, ब्रिजिंग द गैप, हम गैप को जो है वो ब्रिज करते हैं। वाईडीए ये कहती है कि क्योंकि हमारी जो लेडीज़ हैं वो नाइट शिफ्ट में काम करती हैं तो एक तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, दूसरा ये कहते हैं कि मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बेड्स जो हैं वो बहुत कम है, मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये बड़े मसले हैं जो आप अपने देख आई है अपनी प्रैक्टिस में। आज की बात नहीं, आज की बात नहीं है, हमेशा से है। तो इसके में भी काम करती थी एक बेड पे 3 पेशेंट पर। खैर दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। इस वक्त हमने 7000 नए डॉक्टर ले रहे हैं। अच्छा। आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 7000 नए डॉक्टर आ रहे हैं, 2600 नई नर्सेज आ रही हैं पंजाब भर में आई जी, पंजाब भर के अंदर। और उसके अलावा हमने एक और तहिया किया है कि जो मजीद खाली हमारी
असामियाँ हैं उनको हम एडवर्टाइज कर देंगे, टीचिंग हॉस्पिटल्स की भी सारी खाली सामियाँ जो हैं उनको हम एडवर्टाइज कर रहे हैं ताकि ये जो डॉक्टरों की कमी हमें महसूस हो रही है वो कम से कम हो। नंबर वन, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डॉक्टर आ रहे हैं तो जो एडहॉक पे ऑलरेडी थे उस सीटों पे ये रेगुलर आ जाएंगे तो क्या उनको फर्क कर दिया जाएगा? नहीं देखिए जी, पब्लिक सर्विस कमीशन ये जितने डॉक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना इन सब ने अप्लाई किया हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें से 90% ने इम्तिहान ले रखा है और 90% जो हैं वो सिलेक्ट भी हुए हैं। मकसद ये है कि आपने अगर मेरिट सेटअप करना है और एक सिस्टम बनाना है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही होगा। अभी वो कह रहे थे सर्विस स्ट्रक्चर की बात करें, एडहॉक पे तो सर्विस स्ट्रक्चर मिल ही नहीं सकता। सर्विस स्ट्रक्चर तो तब मिलेगा जब आपके पास एक रेगुलर नौकरी हो। सही है, सेफ साइड पे खेल रहे हैं डॉक्टर्स भी। अच्छा, वाईडीए के नाम एक पैगाम दे दीजिए क्योंकि एक आपने देखा है कि पिछले दौरे हुकूमत में भी बहुत ज्यादा हड़तालें रही हैं, ऐसी हड़तालें जिनके ऊपर आंसू गैस भी फेंके इन डॉक्टर्स के ऊपर, उनके नाम एक पैगाम कि अगर इस तरह का वाकया दोबारा कभी हो दोबारा ओपीडीज की तरफ, क्योंकि वाईडीए ने अभी हमारे ही प्रोग्राम के इंटरव्यू में बोला है कि अगर हम नेक्स्ट टाइम हड़ताल करेंगे तो हम ओपीडीज नहीं इमरजेंसी बंद करेंगे, तो उनके नाम एक पैगाम दीजिए। अभी आपको देखे गए हैं पैगाम, मैं ऐसी बात पे क्या कह सकता, जो डॉक्टर्स इंसान की ज़िंदगी के साथ खेलें और वो ऑर्डर के बाद कहें हम इमरजेंसीज भी बंद करेंगे, तो वो जब करेंगे तो फिर उनके साथ हम मैनेज कर लेंगे। मकसद ये है, मुझे तो कुछ और कह के गए हैं वो, और आपके बाहर एक सेकंड देखिए, मुझे तो कुछ और मुतालबात इस तरह नहीं माने जाते। मसला ये है मेरे लिए, मेरी प्रायोरिटी जो है बतौर हेल्थ मिनिस्टर सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, मेरे लिए मेरे मरीज भी उतने ही अहम हैं। मरीजों की जिंदगी के साथ तो हम किसी को खेलने नहीं देंगे, वी विल नॉट लेट देम प्ले विद लाइव्स। वेयर इट इज कंसर्न उनके मुतालबा, उन्होंने हमें ये कहा था कि जी आप एक फोकल पर्सन बना दें, हमने फोकल पर्सन बना दिया। हमने कहा कि आपको जब कोई मसला हो आप इनसे आके डिस्कस कर लें, लेकिन किसी किस्म के हम प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें टाइम देने के लिए। नाजीन, आपने देखा है कि वाईडीए क्या कहती है और उसके जवाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि एक नई मिनिस्टर हैं जिन्होंने वजारत सेहत की वजारत जो है वो संभाल रखी है, उन्होंने वाईडीए के जवाब में जो बातें कही हैं वो भी क्लियर है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अगर वाईडीए इस तरह की हड़ताल पर जाती है तो जो नई हुकूमत है, नई वजारत सेहत की वजारत है, वो किस तरह की हिकमत अमली अपनाएगी और मरीजों को तहफ़ कैसे फराहम करेगी। आज की टॉप स्टोरी से हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।